बुधवार को निजीकरण के विरोध में विद्युत कर्मचारी संघर्ष समिति के द्वारा किया जा रहा प्रदर्शन की वजह से उपभोक्ताओं को विद्युत बिल जमा कराने में असुविधा को देखते हुए विद्युत कर्मचारी संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने एक बैठक करके फैसला लिया है कि उपभोक्ताओं को विद्युत बिल जमा कराने के लिए विद्युत काउंटर अवश्य खुलेंगे और सीमित समय के लिए विद्युत बिल जमा किए जाएंगे। क्योंकि के बीच बड़े बड़े नेता है कुलदीप जी जैसा अगर नेतृत्व करता है तो मैं नहीं समझता कि आपका शिक्षण के साथ इस रिश्ते को यूं ही बनाए रखना दिल में चिराग जलाए रखना भाभी में हमारे इंजीनियर। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए संयोजक विद्युत कर्मचारी संघर्ष समिति के अजय कुमार ने कहा रहा है और काउंटर अभी भी बंद है, क्या नुकसान नहीं हो रहा है सरकार का? नुकसान सरकार का हम कतई करना नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सरकार हमारा आंदोलन को देखते हुए अपना निजीकरण का फैसला वापस ले। हम तो काम करने के लिए तैयार हैं, हम तो मार्च के महीने में दुगनी मेहनत करके काम करते हैं, लेकिन ये सरकार हमें मजबूर कर दी है कि आप सड़कों पर बैठिए, आंदोलन करिए, तमाम तरह के इस तरह के गलत निर्णयों से हमें दिक्कत हो रही है, सरकार को भी दिक्कत हो रही है, कुछ रेवेन्यू भी प्रभावित हो रहे हैं। लेकिन हमारी कोर कमेटी ने आज एक निर्णय लिया है कि अगर कुछ कंज्यूमर हैं जिनके पैसे जमा करने के लिए उन्हें परेशानी हो रही है, हमें कंज्यूमरों को कहीं परेशान नहीं करना है, इसलिए हम अगले जब भी कार्यालय खुलेगा तो हम अपने काउंटर खोलेंगे जनता की सुविधा के लिए, हम अपना काउंटर खोलेंगे। लेकिन हमारा ये आंदोलन अनवरत ऐसे ही जारी रहेगा, सिर्फ काउंटर के छोड़ के सभी साथी हमारे यहीं रहेंगे।